नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं रूरल इंडिया। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक एचएफ गाय पशुपालक के शेड पे। तो दोस्तों, इनके पास 6 एचएफ नस्ल की गाय है और दोस्तों इनसे बहुत अच्छा ये आमदनी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये गाय खुले में छोड़ दी है, इसको मुक्त गोटा कहते हैं मराठी में। तो दोस्तों, फ्री शेड है तो ये जब भी ऑफ टाइम में इस खुले में घूमती है और जब ज़्यादा धूप होती है तो शेड में चली जाती है, ऐसा इनका दिनक्रम रहता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इन गायों को खाने के लिए जो मक्के की घास यहाँ पे रखी है, जो कि कटर मशीन से कट हुई छोटे छोटे टुकड़ों में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा यही होता है कि अगर हम पारंपरिक जो भी हमारी विधि रहती है, जो हम घास पूरा गायों के सामने रखते हैं, तो दोस्तों वो पूरा खाती नहीं है। तो ये जो कटर से कट हुई घास उनके सामने रखी है तो वो पूरी तरह खाते हैं, इससे उनके सेहत के लिए अच्छा रहता है और उनको ज़्यादा चबाना भी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, यही इसकी खासियत है। दूसरा दोस्तों, इनके पास 7 गायें हैं और दूध देने वाली शायद 4 या 5 होगी। तो इन गायों से इनको अच्छा दूध ही मिलता है और इनका जो गोबर है उसका गोबर का ये उनकी खेती में यूज करते हैं, तो इनसे अच्छी कमाई होती है। तो दोस्तों, एक इन गायों का ख्याल रखने के लिए इन्होंने मजदूर भी रखे हैं। ये मजदूर उनको खाने का और उनका दूध भी निकालते और बचे हुए टाइम में खेत में काम करते हैं। तो दोस्तों, हर एक किसान को ऐसा कुछ खेती के साथ दूसरा बिजनेस भी करना चाहिए, जैसे कि पशुपालन है। जो भी हमारे किसान भाई है, अगर आप खेती करते हैं तो उसके साथ अगर हम पशुपालन का बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हमें खेती के लिए गोबर भी मिलता है, दूध भी मिलता है और जो हमारे नीड्स होते हैं खेती में, बार बार पैसे की दिक्कत होती है, बार पैसा लगता है। तो दोस्तों, इन गाय का दूध बेच के हम हर 10 दिन में, हर सप्ताह में इसका पैसा कमा सकते हैं और इससे हमें हर 10 दिन में इसका पेमेंट मिलता रहता है और जो भी हमारे खेती में खर्चा होता है वो इससे हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पशुपालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। दोस्तों, इन गायों को दिन में 2 ही बार फीडिंग दी जाती है। दो चारे में हरा चारा दिया जाता है और थोड़ा सूखा भी दिया जाता है। तो ज़्यादातर लोग मक्के का जो चारा रहता है वही देते हैं और वो कटर से कट किए हुए छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन छोटी छोटी सीमेंट की नलियां है उसको काट के एक साइड से बंद कर दिया और इसमें ये घास डालते हैं और गाय इसमें आके खाती है। तो दोस्तों, इसका ये फायदा होता है कि जो खुले में रखा जाए तो उसका वेस्टेज बहुत होता है, तो इसमें डाला तो वेस्टेज ज़्यादा नहीं होता और पूरा की पूरा गाय खा जाती है। तो दोस्तों, इनको घास देने की विधि सुबह और शाम को रहते है, 2 ही टाइम ये इनको हरा चारा देते हैं। तो दोस्तों, ये मुक्त गोटा है, खुला एरिया है और इसको कंपाउंड बना के जाली लगा है, इस जाली से पैक किया हुआ है। इस जाली के पैक होने की वजह से ये गाय बाहर जा नहीं सकती और ज़्यादा धूप होने में इस शेड में वो जाके ठहरती है और जब भी बारिश होती है तो भी इसके अंदर रहती है। तो दोस्तों, हम आज तक जो भी शेड पे गए हैं महाराष्ट्र में, बहुत से ज़्यादा लोग तो मुक्त गोटा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि दोस्तों इन एचएफ गायों के लिए जब से ये मुक्त गोटा शुरू हुआ है उनके जो सेहत ख़राब होती थी, मस्टरडिज होती थी, उसमें कमी आई है और वो ज़्यादा बीमार नहीं होती है, क्योंकि मुक्त गोटे में वो ज़्यादा टहलती रहती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो यही इसका फ़ायदा है कि मुक्त गोटे में ये घूमती रहती है और उनकी सेहत अच्छी रहती है और दूध में ही बढ़ोतरी होती है।
तो दोस्तों इनको खाद में सुबह और शाम को 4 या 5 किलो हम पेंड या मक्की का दाना दे सकते हैं। इससे भी दूध में वृद्धि होती है, दूध ज़्यादा निकलता है। पशुपालन में दोस्तों हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। गायों की सेहत के बारे में हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि उनको टीके टाइम पर करने चाहिए। तो दोस्तों टाइम पर टीके करें तो जो भी बीमारियां होती है वो नहीं होगी और आपकी गायों की सेहत अच्छी रहेगी। बारिश के पहले जो भी उसका शेड्यूल रहता है, आप डॉक्टर की सलाह से उनको टीके कर सकते हैं और उनकी सेहत अच्छी रख सकते हैं। वैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह देके उनका दूध भी बढ़ाया जा सकता है, उसकी सेहत अच्छी रखी जा सकती है। तो चले दोस्तों इस शेड के मालिक से मिलते हैं। एक छोटा पशुपालक है जो स्कूल देखते हुए ये पशुपालन कर रहा है। तो दोस्तों हम आज हर्षद यलमार के गाय के शेड पे आए। छोटा पशुपालक है दोस्तों, ये स्कूल देख के इन गायों का ख्याल रखते हैं और जो भी मजदूर है उनसे काम करा के गायों का दूध निकालते रहते हैं और डेयरी को बेच देते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी उम्र में इन्होंने अच्छा बिजनेस शुरू किया है और अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आज के स्कूल के बच्चे खाली स्कूल पर ध्यान देते हैं, लेकिन इंसान होने की वजह से अपने खेती में भी कुछ ध्यान देते हैं और गाय पालन में भी ध्यान दे रहे। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम है हर्षवर्धन वसंत तेलमर। कितने गाय है आपके पास? हमके 5 गाय। 5 गाय है। तो आप कितने गाय से शुरुआत की थी आपने? एक गाय की शुरुआत करी थी। अभी 5 गाय आपके पास? हाँ। तो दूध देने वाले कितने हैं इसमें से? 5 के 5 है। हाँ। एक गाय कितना दूध देती है? एक गाय 15 लीटर देती है। अरे वाह, अच्छी बात है। तो दोस्तों इनके पास सभी गाय जो है वो 15 लीटर के आसपास की है। तो आपकी टोटल दूध की कलेक्शन कितनी होती है? 75 लीटर एक टाइम का होता है। हाँ। और दो टाइम का 150 लीटर होता है। तो आपको इसका डेयरी में कितना रेट क्या मिलता है डेयरी में? उसका रेट मिलता है 32 रुपये। 32 रुपीज़, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो दोस्तों बहुत से गाँव में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन 30 या 32 में मिलता है तो बहुत अच्छा रेट है। हाँ, हमारी डेयरी है। तुम्हारी डेयरी है। हाँ। अच्छी बात है। आपके डेयरी का कलेक्शन कितना है टोटल? हमारा डेयरी का कलेक्शन है 10,000 लीटर। 10,000 लीटर। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप गाय क्यों नहीं बढ़ाई? अभी तो 5 ही है आपके पास। ओके, टोटल 150 लीटर होता है दिन का। आप 10 दिन का पेमेंट 45,000 रुपये मिलता है और महीने का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इनको हरे का घास में क्या क्या देते हैं? हरे चारे में मकवान देते हैं। मक्का और दूसरा वाला देते हैं मकवान। सूखा मक्का घास। गन्ना भी देते हैं। हाँ। तो देने का विधि क्या रहता है? इसको कटर मशीन से कट करके देते हैं। कटर मशीन की कट करते। ओके, तो हर एक गाय के लिए एक टाइम के लिए कितना घास देते हैं आप? एक टप है। एक टप यानी कितने कितने केजी का होगा वो? 10 किलो का और होगा। 10 मतलब एक टाइम में 10 या 10 किलो तक देते है। हाँ। एक गाय को। तो देने का टाइमिंग क्या रहता है? सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे देते? सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे। दो टाइम ही देते हैं। दो टाइम देते। तो आप बताए कि ये रहा घास का, और दूसरा खाद में दाने में या पेंड में क्या क्या देते हैं? पेंड में सोनाई की पेंड देते हैं। सोनाई की छोटी वाली पेंड। हाँ। कितने केजी है एक एक गाय के लिए? एक गाय के एक पर 4 किलो। 4 किलो। हाँ। एक टाइम के लिए। हाँ। दो टाइम का 8 किलो। हाँ, 8 किलो देते हैं। तो उसका क्या रेट रहता है उस पेंड सोनाई का? 60 किलो का। 60 केजी का। ओके, 60 केजी का 1600 रुपये। तो इनको कुछ बीमारियां वगैरह होते हैं? बीमारी नहीं होती ना। डॉक्टर से आपको इसको टीका वगैरह करते हैं क्या? उसको करते हैं। अंदर शेड में उन का जाते हैं। धूप का ज्यादा होती है तो उसमें जाती है? नहीं जाती। ओके, आप कितने स्कूल में कौन सी कक्षा में हो? 9th क्लास में हो। हाँ, 9th क्लास में। और वो स्कूल करके इनको ध्यान देते हो इस पे? हाँ, कुछ करके ध्यान देते। तो पिताजी कुछ पैसा देते हैं आपको? नहीं।
नहीं देते, खाली काम करते। कितना खेत है आपका? हमारा 20 एकड़ है। 20 एकड़ है। हाँ। तो आप गायों का क्या क्या ख्याल रखते हो? आप खुद मजदूर से सब काम करवा लेते हो? हाँ। ओके। तो दोस्तों देखिए, छोटा ये बच्चा है, 9th क्लास का है, तो स्कूल देखते हुए इन गायों का भी ख्याल रखता है और जो उनके पास मजदूर है उनसे काम करवाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा गाय का पशुपालन कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन गायों से इनको 45,000 रुपया 10 दिन का पेमेंट मिलता है और इन पे खर्चा भी होता है। तो दोस्तों इनको एक गाय को 8 या 10 किलो का दाना पेंट देना पड़ता है। गायों का दूध आप मशीन से निकालते हो हाथ से? मशीन से। कौन सी मशीन है ये? ठीक है, क्या प्राइस है, कीमत क्या है इसकी? 25,000। 25,000 में ली है? हाँ। कितने देर में दूध निकालती है ये मशीन? 5 मिनट में निकलती है। 5 मिनट तक? हाँ। 5 मिनट में, 5-6 मिनट में निकलती है। मेल बच्चे है या फीमेल बच्चे है? ये सब फीमेल बच्चे है। इनकी सेहत भी अच्छी है, तो बहुत से लोग नहीं रखते, कुछ रखते हैं।